के नाम पे दे दे। क्या हो गया? भगवान के नाम पे दे दो, जिसकी कुर्सी है उसको दे दो। आपको क्या लगा कि मैं इधर भीख मांग रहा हूँ? हाँ। 12 घंटे लगे हैं मेरे को मेकअप में, तब जाके ये लुक आई है। अच्छा। एक तो अमीर शक्ल की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटा रोल मुझे सूट नहीं करता, बड़ा कोई देता नहीं है। खैर अर्चना जी, हाँ। मैं आपको एक बात बतानी भूल गया कि आज ना इधर एक हॉलीवुड का डायरेक्टर आ रहा है, उसने ट्रैफिक सिग्नल पे फिल्म बनानी है। ओहो। और आज अगर मुझे लीड भिखारी का रोल मिल गया फिर मैं सूट बूट पहनकर अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आऊंगा। अच्छा। अरे चंदू, तुमने तो कहा छुट्टियां चल रही है, तो फिर ऑफिस के कपड़े पहन के कहाँ चले? आज कौन से सिग्नल पे मांगने जा रहे हो? उसी सिग्नल पे जहाँ तुम मांगती हो। आओ पूरी मिलजुल कर मांगा करें, मिलजुल कर गाड़ियां रोकेंगे हम। हाँ। जिसने दे दिया उसका भी भला, जिसने ना दिया उसका तुम पर्स मार के भाग जाना। वैसे एक बात बताओ, तुम भी अभी सिग्नल ड्यूटी से आ रही हो? एक्सक्यूज मी, शट अप। ये मेरा कैरेक्टर लुक है, ओके? कॉलेज के प्ले में मुझे गांव की लड़की का रोल मिला है। oh. बस तुम्हारी तरह नहीं, फुटपाथ पे नहीं बैठी रहती मैं सारा दिन। अब बुरी, मेरी हॉलीवुड की एक बार फिल्म तो आने दो तुम, फिर देखना। हॉलीवुड की फिल्म? यस। ओ मैं तुम्हें तो बताना भूल गया भूरी, तुम्हें पता है आज इधर एक हॉलीवुड का डायरेक्टर आ रहा है। हाँ। उसने ट्रैफिक सिग्नल पे एक रियलिस्टिक फिल्म बनानी है। हाँ। अगर उसको तुम्हारी एक्टिंग अच्छी लगी ना तो आने वाली फिल्म जुरासिक पार्क में तुम्हें एज ए लीड लोमड़ी का रोल भी मिल सकता है। लोमड़ी? हेलो या यस सर, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर शमशेर रिपोर्टिंग। सर मैं एक बात पूछनी थी आपसे, मैं जा रहा था रंगारंग होटल में रेड मारने, तो आप उधर तो नहीं हो? नहीं, मैं जब भी रेड मारता हूँ सबसे पहले कमरे में आप निकलते हो, फिर मेरे को। हाँ जी। तो फिर आप पहले निकल जाओ। आप एक काम करो, आप 2:15 पे निकलोगे, मैं 2:16 पे आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आप 2:15 पे निकलेंगे, 2:16 पे मैं गया पब्लिक को शक होगा, मैं 2:17 पे आता हूँ। ठीक है सर, बाय सर, मिस यू। मिस यू। ये क्या हुआ? ओ ये परसों बॉर्डर पे गोलीबारी वगैरह हो रही थी। गोली लग गई आपको? नहीं, ये तो दरवाजे में है। तो फिर इंस्पेक्टर साहब आप इधर भी चप्पल पहन लेते, ये थोड़ी दरवाजे में है। ओए ज्यादा पुलिस का फ्रैग नहीं, निकलो यहाँ से, भिखारी लोग खड़े सिग्नल पे, चलो भागो यहाँ से। ऐसे कैसे भागो, फुटपाथ हमने लीज पे लिया है 2 साल के लिए। 2 साल के लीज। भागो यहाँ से। कानून को तो कोई नॉलेज है नहीं इस बारे में, तूने कुत्तों से लिया लीज पे, बकवास कर रहा है। चलो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अच्छे भले हाथ पैर तुम लोगों के भीख मांग रहे हो, तो 5-10 रुपए के लिए मैं क्या अपने हाथ पर तोड़वा लूं? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? कंबल तो ऐसे लिए जैसे बड़ा गजल गायक है, देखो। हाथ पैर नहीं, तू अपना मुंह तुड़वा। अच्छा। इसको रीडेवलपमेंट में भेजो। ओके। हो सकता है कोई अच्छा व्यू मिल जाए। ओह माय गॉड। कब खाम खा इंसान बन के घूम रहा है तू? तेरे ये जो जितने ये फर आई हुई, तू तो जर्मन शेफर्ड लग सकता है। अब बड़ा मजा है कुत्ता बनने में, देखो एक तो कोई पूछेगा नहीं क्या काम करते हो, शादी हुई है नहीं हुई, कोई नहीं, लोग जो भी आएगा 2 बिस्कुट देगा, तुझे सिर्फ ऐसे ऐसे करना काम खत्म। और ऐसे वो चेस्ट पे मसाज अलग से करती लड़कियां, साथ में अलग अलग तरीके के पैर चाटो। अगर चंद ने पैर चाटने होते ना तो आज ट्रंप के शो में लीड हीरो होना था। हैंड वॉश की एड में आने वाले कीटाणु, इधर
डंडा देखा है मेरा? तेरे को शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? इंस्पेक्टर साहब तो क्या करें? आप बताइए, रोजगार है कहाँ? मरने और धरने के अलावा इस देश में चल क्या रहा है? आप बताइए, क्या काम करें? आप बताइए। एक तो तेरे पहले इंटरव्यू आ रहे हैं कि काम नहीं है तेरे पास। ऊपर से ऐसी बातें बोल रही है। ओए सुनो मेरी बात, जहां चाह वहां राह। मतलब? मतलब एक बात तूने अच्छी बोली, एक मैंने बोल दी, अब निकलो यहां से। और काम हम क्या लगा रखा है? इतने काम है दुनिया में, जाओ जाके चोरी करो, कहीं डाका मार लो। कैसी इंस्पेक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? आप हमें चोरी करने के लिए बोल रहे हैं। डाका मारना कोई इजी काम नहीं है, चोरी करना कोई इजी काम नहीं है। सारी सारी रात जाके डार्क सर्कल पड़ जाते, मेरे अभी तक ठीक नहीं हुए। चोरी करना कोई इजी काम नहीं है, चोर है तो पुलिस है। आप देख लो, चोरी होती है तो आप लोग हमें बुलाते हो। कभी आपने हमें बर्थडे पे मुंडन पे बुलाया? लोग तो हमें हनीमून तक पे नहीं बुलाते। हाँ, हमें कहते प्राइवेसी चाहिए। कानून को जैसे पता ही नहीं कि प्राइवेसी लेके तुम लोग क्या करते हो। और सुनो मेरे, भीख मांगनी है ना, चलो पहले जाके सरकार से परमिशन लेके आओ। मर मैं तेरे। जाओ जाओ पूरी, मैं तो डंडा सह लूंगा, तुमसे नहीं सहा जाएगा, जाओ। My God, what a beautiful location, beautiful signal. Myself, Hollywood director, John Hattrick. Myself, inspector, only metric. देखिए, मुझे यहाँ सिग्नल पर एक फिल्म बनानी है। तुम लोग अंग्रेज लोग इतने खुल गए, गंदी गंदी अंग्रेजी फिल्में सड़कों पर बनाओगे? कौन सी अंग्रेजी फिल्म गंदी है? जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क का गंदी है? इतना बड़ा डायनासोर तुम लोगों ने नंगा दिखा दिया। वो इसीलिए शर्म के मारे विलुप्त हो गए वो। ओ यार, मैं ट्रैफिक सिग्नल पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। पेंट तुमसे संभाले नहीं जा रही, फिल्म बनाएंगे। फिल्म बनानी है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। बड़े भाई देखो, 15 लाख में परमिशन मिलती है, मैं तुम्हें 10 में दिला दूंगा। तुम मुझसे घूस मांग रहे हो? मैं तुम पे केस कर दूंगा। मैं भी तुम पे केस करूंगा। क्यों? इतने सालों से अंग्रेज लोग हमारे यहाँ से मसाले बाहर लेके जा रहे हैं, एक बार भी सब्जी नहीं खिलाई इन्होंने। तुमको सब्जी खिलाओ, तुम मेरा जीजा हो। तुमको जीजे के बारे में कैसे पता? तुम्हारे तो होते नहीं उधर अंग्रेजों में तो। नहीं, सबको अंकल आंटी, अंकल आंटी कह के सारे रिश्तेदारी निपेट देते हैं पूरी। देखो प्रॉब्लम होती है हम पंजाबी लोगों में, क्या ओए रिश्तेदार जब आते हैं शादियों में, हर एक के नाम की अलग अलग बोली डालो जी। बारी बरसी खटन गया जी, खटके ले अंदा पिज्जा, भंगड़ा ता सजदा, नचे मुंडे दा जीजा। जीजा। अच्छा जीजा पे तो फिर भी बन गई, फुफड़ पे बनानी हो और ज्यादा प्रॉब्लम है। बारी बरसी खटन गया जी, खटके ले अंदा कुक्कड़, भंगड़ा ता सजदा, नचे मुंडे दा फुफड़। अच्छा ये बोली जब डालो फुफड़ और कुक्कड़, और जीजा नाराज हो जाता है कि फुफड़ में कुक्कड़ डाला है, नॉन वेज हमारा वेज है, ये भी प्रॉब्लम है। Oh my God, you are Punjabi. भले 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 भले। नहीं तुम लोगों को क्या लगता है? क्या? कि ये जो पंजाबी होते पैदा होते रोते नहीं, हुए नहीं, मतलब भले 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 कर गए थे। मैं कहाँ फंस गया? मुझे ट्रैफिक सिग्नल पे फिल्म बनानी है, अभी तक तो मेरी कास्टिंग भी नहीं हुई। कास्टिंग करनी है, कास्टिंग। भगवान के नाम पे दे दे, 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 रोल ही दे। ओ हेलो, वो भिखारी में फिल्म बनाने आए हैं, फिल्म बना के भिखारी नहीं बनने आए वो, तुम दोनों को कैसे ले लें? हेलो सर, माय सेल्फ इज चंदू भिखारी एंड शी इज माय वाइफ भूरी भिखारी। नो वाइफ, इंडिपेंडेंट बेगर सर। इंडिपेंडेंट वो क्या है ना, आप हमें फिल्म में भिखारी का रोल दे सकते हैं, मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ और ये ठीक ठाक है। अच्छा। बहुत अच्छी एक्टर, तो इस शो में भिखारी ना बनी होती तू। सर अगर आपने मेरे को फिल्म में रोल नहीं दिया तो मैंने गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देनी है। चंदू, इसके पहले कि सिग्नल रेड हो जाए फटाफट जान दे दे। मैं अपने मुंह से वो ना दे दूं जो फैमिली शो में नहीं दिया जाता। क्या चाहे?
चाय तो दे ही सकते फैमिली शो में। दे सकते तो लेके आओ फिर। चाय लेके आओ। और तू छोटू टेबल पे कपड़ा मार, चल। बहुत कपड़े मार लिए छोटू ने टेबल पे। हाय हाय। अब ये छोटू बड़े रोल पे बड़ा हाथ मारेगा। वाह 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 सर, ये मेरा राइट प्रोफाइल है। अच्छा। और ये मेरा लेफ्ट प्रोफाइल है। और मैंने डंडा मार के तेरी दोनों प्रोफाइल सुझा देनी है। हेलो जॉन, मैंने डिसाइड कर लिया है फिल्म में हीरो मैं आता हूँ, और मेरी फिगर के हिसाब से कोई हॉट सी हीरोइन लेके आओ। नो 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 नो, मुझे फिल्म में सिग्नल के नेचुरल कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे इसको ही लेना पड़ेगा। कम सुंदर, नॉट हॉट एंड विदाउट ग्लैमर। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ डायरेक्टर सर? आई एम वेरी 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 हॉट। ओ, और फनी भी नहीं है। शमशेर जी कैसे? ओए ओए, भिखारी तो आया है, तो बधाई मांगने वाले भी आ गए। इतने लोग लेके कहाँ जा रही है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैंने ना इन लोगों पे नया मैसेज ट्राई किया था। अच्छा। वो फेल हो गया, तो मैं इन लोग को फेंकने के लिए जा रही हूँ। हाँ। नहीं तो क्या ये लोग मार्केट में जाके ना नाम खराब करते। हाँ। चलो उठ, उठ, चाहे इन लोग को लेके जा नाला सुपारा। किसी को बोलने का नहीं, मैंने मैसेज किया था, ठीक है? एक मिनट, ओ मोटा भाई। हाँ? ये मुझे पता है तुम अंग्रेज लोग बड़े फ्रैंक होते हो। हाँ? पर ये नेचुरल ब्यूटी मतलब कैसे? तुम्हें पता है जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी वाली बंदी जो थी वो भी इससे ज्यादा बंदी थी। ये नेचुरल ब्यूटी। वाह। व्हाटएवर, लेकिन मुझे ऐसी घिसी पिटी लड़की चाहिए अपनी फिल्म के लिए। ए, क्या छिली हुई मूली सलाद में डाल के खा जाएगी तेरे को? बकवास किया तो आज पका भटूरा। वेरी गुड, ऐसी एनएजुकेटेड लड़की चाहिए। वाओ, अरे वाह, भौंकता भी है। वाओ। सपना, कांग्रेस, ये हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, इधर ये भिखारियों पर फिल्म बनाने के लिए हैं। तू लीड हीरोइन, मैं लीड हीरो। ढाई घंटे की फिल्म है। ढाई घंटे की? ये जड़ी इधर है। क्या? हम लोग अपने एक घंटे के शो में इस पे 5 मिनट का रिस्क नहीं लेते। आप ढाई घंटे का पिक्चर कैसे सोच सकते हो सर? सपना, मुझे छोटा कह रही हो? एक बार याद रखना, घड़ी में ना छोटी सुई चलती रहती है, तभी जाकर एक घंटा होता है। वाह, क्या डायलॉग मारा है, क्या घंटे की बात की है इसने, जोरदार तालियां हो जाए। शर्म कर, शर्म। अंग्रेज लोग के सामने भिखारी बन के घूम रहा है इधर इंडिया में। मुझे देख कितनी मेहनत करती है मैं। मैं चंद पैसों के लिए अपना जमीर कभी भी नहीं बेचती। चंद पैसे नहीं, हम 1 करोड़ देगा। जमीर छोड़, माँ बाप भाई बहन सब ले, पैसा मिलेंगे। अरे लेकिन सपना, बाकी तुम्हारे रिश्तेदार वो ओरिजिनल है या वो भी तुम्हारे जैसे असेंबल्ड पीस हैं? तू बड़ी जलपरी बनी है ना। इसका तो यह कल एक लड़के को बोली, मेरे साथ फिल्म देखने के लिए चलेगा क्या? लड़के ने सामने से जवाब दिया, मैं लड़कों के साथ फिल्म देखने के लिए नहीं जाता। ये तो है इसकी हॉटनेस। अरे वो मैंने कैप पहना हुआ था। अरे नॉर्मल कैप पहना करना, मंकी कैप पहन के कौन घूमता है मार्केट में? चलो एक बार के लिए मंकी कैप पहन भी लिया, लाल टेन लेके कौन घूमता है मार्केट में? डायरेक्टर साहब, मैं आपकी फिल्म में भिखारी का रोल करूंगी। ऐसे कैसे, भिखारन मैं हूँ। लेकिन लीड भिखारी मैं। नहीं नहीं, मैं हूँ, मैं भिखारी, मैं भिखारी, मैं, नहीं नहीं, मैं भिखारी। हेलो सोनी साहब, मैंने पहले कहा था एक कलाकारों की आड़ में हमने भिखारी भर्ती किए हैं। हो गए शुरू सारे। और डॉक्टर साहब इधर आओ, इन सबको छोड़ो, कोई हॉट सी लड़की बुलाओ, मैं को हीरो लो। चलो ठीक है।
रामू सारे कंबल लाए हो ना? जी मैडम। देखो यहाँ पे कोई तो गरीब मिल ही जाएगा। आ जाओ आ जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या? ये आप क्या कर रही हैं मतलब? जी मैं गरीबों में प्यार और कंबल बांटने आई हूँ। अच्छा आप सिर्फ प्यार बांटो, कंबल गरीब खुद ले आएंगे। मैं मैम एक्चुअली आप सही जगह पर आए, इधर सब भिखारी लोग हैं, ये भिखारी है, वो दिनेश भिखारी है, गिटार सब भिखारी लोग हैं। सही हाँ जी। good, अगर good. आपको ब्रांडेड चाहिए तो बांजो में भी काफी वैरायटीज हैं। अरे आप लोग लड़िए मत, मैं सबके लिए कंबल लाई हूँ, मुझे कंबल बांटने। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये मैडम यहाँ कंबल बांटेगी और तुम भिखारी बनके अपनी लाचारी मैडम की तरफ पहुँचाने की कोशिश करो, यही तुम्हारा वीडियो टेस्ट होगा, तुम्हारा एक्टिंग का टेस्ट होगा, तुम भिखारी बनो। अच्छा अच्छा मैं पहले वेट वेट फॉर अ मिनट वेट फॉर अ मिनट ओके स्टार्ट। मैम बेबी पिंक कलर का कंबल मिलेगा क्या? ये पिंक कलर के सुअर धो दोगे ना इसका दिमाग खराब हो गया। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जस्ट टेक इट। गुड वन। मैडम चार दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मुझे एक कंबल दे दो। पीछे हो जरा, इसकी गर्दन तोड़नी मैंने। चार दिन से कुछ नहीं खाया, एक कंबल दे दो। मेरे को शक है मेरे मोटरसाइकिल की गद्दी में से फोम निकाल के इसी ने खाई है। भीख भी नहीं मांगनी आती इनको। आज अगर कहीं मैंने साड़ी पहनी होती मैं पीटता तेरे को। मैडम आप मुझे एक डबल बेड का कंबल दे दो। डबल एक डबल बेड दे दो, एक बेडरूम दे दो विद अटैच बाथरूम, एक किचन और बस। प्रधानमंत्री बना दे। प्रधानमंत्री बनाए तेरे को कैसे? राष्ट्रपति नहीं बन सकता मैं। लेट लेट चंदू एक मिनट, ये पूजा है कपिल शर्मा ने जो तुम्हारी हर मांगी पूरी कर दे। पूजा ये तो फिर डायरेक्ट हो गया अभी। देखो इतने सालों से साथ है ये, आज इसने पहली बार अच्छी बात बोली है। तेरे 10 एपिसोड पक्के। ये तेरा 10वां ही था। जॉन जॉन इधर आओ। चांदनी बाई ये क्या तुम भिखारियों में फिल्म बना रहे हो? कोई ओपनिंग नहीं लगेगी, ये खुद ही ऐसे ऐसे करके देखने घुस जाएंगे। रोमांटिक फिल्म बनाओ, हीरो मैं, हीरोइन वो मैडम जो आई ना कंबल वाली। नहीं नहीं मुझे रोमांटिक फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ये बोल तो ऐसे नहीं जैसे हमने तुम्हारा इंस्टाग्राम देखा ही नहीं। अभी फुकेट की फोटो में देख देख के फुकेट में मैं घर पे पकड़ा गया पता है। ये वो है। इनके साथ तो मैं और 2-3 फिल्में बना सकता हूँ। कीप इन टच, कीप इन टच, मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, लाइफ बना दूंगा। कीप इन टच वाइफ बना दूंगा। Excuse me. अरे जब से आई हो excuse me, excuse me, excuse me, excuse me के अलावा कुछ आता है? कुछ आता है? एक मिनट बहन, आज तुम घर जाके ना ठंडे दिमाग से सोच के देखना क्या तुम्हारा ये बोलना बनता था। मोटा भाई मेरे कदम फिल्म की लोकेशन चेंज करते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं। स्विट्जरलैंड कौन सा भिखारी जाता है? तुम हमारी प्रियंका को बाहर लेके चले गए, दीपिका को हॉलीवुड भेज दिया, मुझ में क्या कमी है? आई डिजर्व हॉलीवुड। हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, हम इसको अपने थॉट्स से भी बेदखल करते हैं। सॉरी चलो यार चलो चलो शट अप, इतनी घटिया बात की। आई डिजर्व हॉलीवुड, तेरे को कोई पानीपुरी ना खिलाए हॉलीवुड जाएगी। अब आओ मैडम, हम भी आपके साथ चलेंगे। हे मुकेम्बो, हेल मुकेम्बो, हे मुकेम्बो, हेल मुकेम्बो। आप क्या कहती हो? See, I feel they're right because you've also come from abroad. They should also go. You know, there'll be a mutual understanding between all of us. Then it'll be a good thing. Yeah. मतलब तुम्हारी तरफ से हाँ है। तो मेरी तरफ से तो आते ही तुम्हारे हाँ थी।
चलो इसी बात पे छोटी छोटी शादी हो जाए अदरक डालकर. देखो मैं यहाँ शादी देखने नहीं आया हूँ, मैं फिल्म बनाने आया हूँ. तेरे को तो फिल्म बनानी ना, तेरे को. हाँ तो फिल्म बनाना, शादी से पहले भी तो शूट होता है, प्री वेडिंग शूट होता है जो. हाँ. डीडीएल से पहले पोज बनाएंगे ऐसे सरसों के खेत में, उसके बाद निकल के सीधा गन्ने के खेत में घुस जाएंगे. नहीं नहीं एक मिनट, डीडीएलजे में गन्ने का खेत तो था ही नहीं, तभी तो मरीशपुर ने पकड़ लिया था. इस बार रखते हैं. सर आप मुझे अपनी फिल्म में आंखें बंद करके हीरो ले सकते हैं. आंखें बंद करके ले सकते हैं, खोल के तो कोई लेगा नहीं. नहीं 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 नहीं, और आपकी फिल्म में हीरोइन मैं. नहीं नहीं हीरोइन नहीं, मेरे को हीरोइन. नहीं नहीं सर, मैडम मैडम मैडम, ये माहौल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, चलिए चलते हैं. हां रामू तुम गाड़ी निकालो, मैं और मैडम आ रहे. आप कहां आ रहे हैं? दूल्हा साथ नहीं जाता दुल्हन के? अरे पर हमारी शादी कब हुई? कर लेते ना, कंबल के फेरे ले लेते हैं. कंबल के फेरे कौन लेता है? लकड़ी के लेते हो? हाँ. तो लकड़ी के फेरे क्यों लेते हैं? लकड़ी में आग होती है. हाँ. कंबल में गर्मी नहीं होती. लकड़ी के आसपास 7 फेरे होते हैं, कंबल के 14 ले लेते हैं, बात खत्म. ओ दरोगा बाबू, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक. अब अगर अपनी मैडम की इज्जत पर आंच आई ना तो लाशें बिछा देंगे, लाशें, समझे? ज्यादा रवि किशन बना ना तू. तो मनोज तिवारी को बुला के तेरा खेसारी ऐसा लाल करूंगा ना मैं. बकवास करता है. देखिए लाल कीजिए या नीला, समझे? अब अगर बदतमीजी की ना तो सबको मार के कर देंगे पीला. ये रामू का पादा है. अरे वाह, मुझे मेरी फिल्म का हीरो मिल गया. ठीक है रामू, तुम हो मेरी फिल्म के हीरो. रामू वाह, और तुम हो मेरे आज जो पिटोगे. इतनी देर से हम मेहनत कर रहे हैं और ये आया हमारे त्योहार करके हीरो बन जाएगा. लेडीज तुम कह रही थी ना काम नहीं तुम्हारे पास, इधर आओ. ये पहाड़ तुम तोड़ो, उसके बाद तुम शुरुआत करो. जेंट्स बाद में आएंगे. चलो सपना चढ़ जाओ इस पहाड़ पे, तोड़ो इसको, हीरो बनाएंगे तुम. आओ मैडम आप मेरे साथ आइए. अर्चना जी कभी भूतों वाली फिल्म देखी आपने? बड़ा डर लगता है ना. एक्चुअली भूत वाली फिल्म देख के डर भी लगता रहता है और एक्साइटमेंट सी बनी रहती है कि अब आएगा भूत, अब आएगा. आए ना आए लेकिन डर लगा रहता है. सेम जैसे आपको सिद्धू साहब का लगा रहता है. खैर मैं हॉरर फिल्मों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक नई फिल्म आने वाली है, भूत द हॉन्टेड शिप. और इस फिल्म के लीड स्टार्स आज हमारे बीच आने वाले हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा. प्लीज वेलकम यंग एंड टैलेंटेड, जोश से भरपूर एक्टर, नेशनल अवार्ड विनर मिस्टर विक्की कौशल एंड वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस भूमि पेड़नेकर. वाओ जो दिख भी नहीं रहा, जो है भी नहीं, उसको भी हक कर रहा है. अच्छा अर्चना जी, जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वही होता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता फिर भी होता है. सुन लिया. भूमि यहाँ तो आप दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन फिल्म में तो दिखाई देंगी कि नहीं? हाँ कपिल, प्रोड्यूसर ने दिखने के ही पैसे दिए हैं. लेकिन भूमि आपने जिंदा लड़कियों के रोल में तो हमेशा जान डाली है, एंड आई एम श्योर भूत के रोल में भी आप जान डाल देंगे. आप
Thank you, Kapil. Bhumi, I have a सवाल for you. कि जिन सीन में तुम नहीं दिखोगी उन सीन्स के लिए भी प्रोड्यूसर तुम्हें पैसे देगा क्या? चली गई वो, बाथरूम गई हो. अभी ऐसे थोड़ी ना. पाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका. विक्की पाजी के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू पाजी. विक्की पाजी, वर्तमान तो आपका सुपरहिट है ही, भविष्य भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. भूत के बारे में आपका क्या कहना है? आपके दिमाग में कब आया मुझे हॉरर फिल्म करनी है? मुझे पाजी एक्चुअली दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि मैं हॉरर फिल्म से खुद बहुत डरता हूँ. अच्छा. मैं कभी नहीं देख पाता हॉरर फिल्म में. मैंने पिछली जो हॉरर फिल्म देखी थी उससे मैं इतना डर गया था कि उसके 10 मिनट बाद में मैंने अंदाज अपना अपना लगा ली थी, ताकि मैं भूल जाऊँ उस फिल्म को और मैं सो सकूँ. तो मैं तो हॉरर फिल्मों से बहुत डरता हूँ, हॉरर कहानियों से बहुत डरता हूँ. तो जब मुझे धर्मा से कॉल आया, अच्छा, शशांक और करण का, कि एक फिल्म के बारे में बात करनी है, तो मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये हॉरर फिल्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि धर्मा से आप वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कि actually. वो भूत की कहानी बताएंगे. वो तो शिफॉन की साड़ियां स्विट्जरलैंड. धर्मा को देख के ही दिमाग में आता है. तो जब उन्होंने बताया कि हॉरर फिल्म है, उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस स्क्रिप्ट दी और कहा कि आप पढ़ लो और बता दो क्या लगता है आपको. तो मैं यूजली अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ रात को, और वन गो में पढ़ता हूँ. अच्छा. तो मैंने रात को बैठ गया मैं स्क्रिप्ट लेके. अच्छा. तो मैंने एक एक्सरसाइज किया, मैं एक पानी की बोतल रखता हूँ हमेशा और स्क्रिप्ट पढ़ के ही उठता हूँ, मैं बीच में उठता नहीं. मैंने इस बार पानी की बोतल नहीं रखी. अच्छा. मैंने कहा मैं देखता हूँ यार, मुझे मन करता है, प्यास लगती है, तो मतलब मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही स्क्रिप्ट. अच्छा. या तो मैं स्क्रिप्ट में इतना घुसाऊँ कि प्यास ही नहीं लगी. हाँ. तो मैंने जब स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी, प्यास तो छोड़ो, पढ़ने के बाद जब मुझे पानी पीना था, किचन में जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं बोतल ले आऊँ. मैंने कहा यहीं चद्दर ओढ़ो, सो जाओ. मुझे लगा अगर स्क्रिप्ट पढ़ के इतना डर लगा, तो जब ये फिल्म का वर्जन होगा तो ये और डर लगेगा एक्चुअली. तो शायद मेरे अंदर का डर खत्म होगा एक भूत की फिल्म में एक्टिंग करके. नहीं, बहुत अच्छी बात है. नॉर्मली हम बोलते हैं कि ट्रेलर बड़ा खूबसूरत है, आपका ट्रेलर बड़ा डरावना है. विक्की, आप जवान है, हैंडसम है, अभी तो आपके दिन है टाइटैनिक वाले पोज करने के हीरोइन के साथ, और आप जाके भूत नहीं ढूंढ रहे हैं उधर. सही से बताना सर, ये जब फिल्म देखी थी सबने, हाँ जी, कौन डरा था सबसे ज्यादा? करण जोहर. वो बहुत डरे थे. जब हम ट्रेलर भी देख रहे थे, तो साथ में ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, और वो तो अब 75 बार देख चुके हैं ट्रेलर, खुद ही की फिल्म है. आप तब भी भूत आने से पहले बाकी रिएक्ट करें, ये पहले ही हो रहे हैं. तो मैंने कहा यार ये तो आप तो अपने रिएक्शन से लोगों को डरा दोगे. तो वो बड़े डर रहे थे. पर यही तो फिर खासियत है कि जो फिल्म देख के डर लग रहा है, इसका मतलब फिल्म बहुत अच्छी बनी. बहुत मुबारक हो आपको. अच्छा विक्की, अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि आप घुड़सवारी भी सीख रहे हैं. हाँ जी. तो हम क्या समझे कि जल्दी घोड़ी चढ़ने वाले हैं आप? मैं अर्चना जी ने बताया घोड़सवारी इसलिए सीख रहा हूँ ताकि जिस दिन घोड़ी चढ़ गया, हाँ, तो वो तो रोके रोके रखते हैं ना, तो मैं चलाना सीख जाऊँ ताकि मैं वहीं से दौड़ा लूँ कि भैया यहाँ से निकल तू. अच्छा, मैंने किसी अपने ऐसे बड़े बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा जब आदमी दूल्हा बनता है तो घोड़ी पे क्यों चढ़ाते हैं और साथ में तलवार क्यों देते हैं? बोलता घोड़ी देते ही इसलिए कि बेटा अभी भी टाइम है, निकल जा. और बोलता तलवार इसलिए देते हैं अगर तुझे कोई रास्ते में रोके, गर्दन उड़ा दे इसकी. अच्छा, आप सबको पता है विक्की कितने टैलेंटेड एक्टर हैं और कितनी मेहनत करते हैं. जैसे उरी के लिए इन्होंने मिलिट्री बेस कैंप में जाके ट्रेनिंग ली, और अभी जो आने वाली इनकी हिस्टोरिकल फिल्म है उसके लिए तलवारबाजी घुड़सवारी सीख रहे हैं. तो भूत के लिए फिर क्या विक्रम भट्ट का कोर्स किया था? भूत के लिए पाजी क्या किया स्पेशली? नहीं, ऐसे मुझे कहा गया था कि यार हॉरर फिल्म में देख लो. मैंने कहा नहीं, इतनी तैयारी तो मैं नहीं कर सकता. हाँ. आप मुझे उस दिन शूट पे बताना क्या करना है, मैं वैसे एक्टिंग कर लूंगा. पर इसमें सर बहुत सारे सीन्स ना अंडर वाटर हैं, क्योंकि ये समुंदर के किनारे एक शिप रुकी हुई है. मुझे पानी से बड़ा डर है. अच्छा. पर इसमें मुझे हेल्प हो गई. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे अंडर वाटर सीक्वेंसेस, तो हम एक 25 फीट के पूल में शूट कर रहे थे. अच्छा. तो जब हम पहले दिन शूट कर रहे थे तो अंदर गया, और उन्होंने क्या किया था कि नीचे आपके ना बहुत सारे स्टूल्स रख देते हैं लंबे लंबे, तो आप खड़े रहो, जैसे ही टेक लेना होता है तो आप वो स्टूल हटा देते हैं और फिर आप एक्टिंग करिए पानी के अंदर. तो अब जब डर लग रहा है तो एक्टिंग कहाँ से निकले. और जैसे ही वो स्टूल हटा दें तो मैं तो बड़ा पैनिक के मारे ऊपर आ जाऊँ, अंदर रुकू ही ना. तो फिर पहले दिन हमसे ज़्यादा शूटिंग नहीं हो पाई, तो मुझे बड़ा गिल्टी महसूस हुआ कि आपको पता है जब एज एन एक्टर कि ये होना ही है, और फिर आप वो काम ना कर पाओ तो बड़ा गिल्टी. पहले ही दिन तो मैं बड़ा मतलब वैसे जेन्युइनली डर गया था कि यार ये क्या हो रहा है. तो फिर अगले दिन फिर मैंने कहा था उनसे कि यार आप मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा दीजिए,
तो शुरू में मैं आधा घंटे जल्दी पहुंच गया था सेट पे, और फिर मैं स्कूबा जो एक्सपर्ट थे उनसे कहा कि आप वो ऑक्सीजन मास्क देके मुझे आप फर्श तक ले जाइए, और मैं फर्श पे जाके आधे घंटे ऑक्सीजन मास्क के साथ बैठना चाहता हूँ और ऊपर देखना चाहता हूँ। मुझे शायद डर इसलिए लगता है कि नीचे क्या होगा पता नहीं, पैर के नीचे जमीन नहीं है। तो जब मैंने ऊपर देखा आधे घंटे, तब जाके थोड़ा डर निकला, और फिर बहुत मजे से मैंने अच्छी बात है। तू मेरे को डराएगा इधर? हैं, तू डराएगा मेरे को? अबे जिस पे ऑलरेडी मामा का भूत सवार हो उसको कोई भी नहीं डरा सकता, समझा? भाग इधर से, भाग। माला। बड़े है इधर। आप इनके पास आइए। अरे क्या मैं तेरे मार जा। निकल इधर से, बड़ा है ला इधर, बात करते। हाय, वेरी नाइस। हाय, कैसे हो? वेरी नाइस। आई फैन यू, वेरी नाइस यू। आई सी यू, वेरी वेरी नाइस यू। आई फील होम सिट ना। बैठना तू भी। हाउ कैसे आप? ठीक है, मैं एकदम मस्त, टिप टॉप। विक्की को नेशनल अवार्ड मिले, एक बार जोरदार ताली हो जाए, बहुत अच्छा। तो अभी नेशनल अवार्ड मिलते ही आप बदल गए। बदल गया मतलब? मतलब अभी इंसानों के साथ काम ही नहीं करने का, भूतों के साथ काम करने का, ऐसे रहते हैं। ऐसी बात थोड़ी, हम लोगों को तो कोई अवार्ड नहीं मिला, हम फिर भी भूतों के साथ काम कर रहे हैं। ए, खबरदार जो अर्चना जी के बारे में कुछ भी बोला था तूने। अरे ऐसे नहीं है, अभी आपका भूत पिक्चर में भूत आके आपका गला दबाते है ना। अर्चना जी का मॉडल इनमें इतना वट है, चुड़ैल इनके घर पे आके इनका पाँव दबा के जाती है। खैर, आपका पिक्चर का मैं ट्रेलर देखी। हाँ। और ये मेरे को एकदम अद्भुत लगा ट्रेलर। एकदम अद्भुत लगा। एकदम अद्भुत है। हाँ, इनकी फिल्म का नाम भूत है, ये उसमें भूत नहीं है। ये भूत हो या ना हो, तू पिशाच बन के बीच में क्यों बात कर रहा है? मेरे को बात करने दे। हाय, वेरी नाइस। अच्छा, अभी आप भूत लोग के साथ काम किए। हाँ। मेरा एक सवाल था। हाँ। जब ये भूत लोग को मालूम रहता है कि भागते भूत की कोई भी ऐसे लंगोटी छीन लेता है, तो ये लंगोटी पहनते क्यों है? नहीं, वैसे तो अच्छी बातें पहनते है। हाँ। वरना ऐसा खुला देख के तो ज्यादा डर लगे। सपना, क्या फालतू की बातें कर रही है तू? फालतू की बात की क्या मैं? अच्छी बात की ना। मेरे, आप ओवरे में रहते ना? हाँ। हाँ, ये खुन्नस में रहता है हमेशा। मैं फालतू की बात नहीं की, मैं फालतू की बात की क्या? अब मैं फालतू की बात करेगी तो देख, फालतू की बात पता है किसको बोलते हैं? हाँ। जब आप खाना नहीं खाते तो आपको भूख लगती है कि भूत लगती है, इसको बोलते हैं फालतू की बात। और मैं एक फालतू का गाना भी आपके लिए रेडी की है। अच्छा। विकी, मैं जो मेन काम के लिए आया वो बात करेगी। हाँ। मैं, हमने नाला सोपरा में रहती है। हाँ। तो उधर का लड़की लोग दे लाइक यू। ओके। हाँ, तो मैं शादी का प्रस्ताव लेके आई है। हाँ। उधर का लड़की लोग बहुत, मेरा सहेली लोग है। कौन, तेरी सहेली है? हाँ, मेरी सहेली है, बहुत मतलब गरीब है बेचारी, और मतलब ऐसा अकेलापन उसको बहुत काटता है। हाँ, लेकिन वो टैलेंटेड बहुत है। वो चलती साइकिल में ना चेन बदल लेती है सर। तो इसमें क्या टैलेंट है? हाँ, तो समझाओ ना फिर अर्चना जी को। वो बोलती है टैलेंट है ये। ऐसा कैसा टैलेंट रहता है? एक लड़की तो और भी टैलेंटेड है। एटीएम में आप ऐसा कार्ड डाल के पैसा निकालते ना। हाँ। वो ऐसा जीप डाल के ऐसा पैसा निकाल लेती मैं। क्या फालतू की बातें कर रही है? ढंग की लड़की नहीं है तेरे पास? ढंग की है ना, नाला सुपारा में
सिर्फ एक ही ढंग की लड़की है। नहीं, मैं सच्ची बोलती हूँ, मतलब अगर आप मेरे से शादी कर लोगे तो मैं आपको बीवी के साथ साथ साले का भी प्यार दे सकता हूँ। सपना, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देख कप्पू, मैंने तो सिर्फ ऑफर दिया है, बाकी इनकी मन मर्जियां हैं। मैं तो शादी के लिए राजी हूँ। पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगी। ना मत बोलना, मेरी तरफ से हाँ है, वरना मेरे को लगा था वरना ये बहुत पछताएंगे, लेकिन ये पछताएंगे नहीं, हाँ बोल दिए कप्पू मेरे को। मेरे को बहुत खुशी है। वैसे अभी आपने हाँ बोल दिया है तो आप मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? लगने देना यार, एक बार तो लगने दे। मतलब 100 एपिसोड अगर, और कितना रीजन देगी मैं। अच्छा, पाएंगे ना उधर, आई हैव पार्लर, ये मेरा पार्लर है। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं। क्या बात है। इनका गाना आया था बड़ा पछताओगे, तो हमारे पास बड़ा पछताओगे मसाज है। वो क्या होता है? जाने दो, बड़ा पछताओगे। फिर एक मसाज है हम लोग के पास, भूत मसाज। अच्छा अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या रहते है, हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर उसके आंख पे पट्टी बांधते हैं, फिर कस्टमर को हवेली की तरफ लेके जाते हैं। कस्टमर जा रहा है, इतने में हवेली का दरवाजा खुलता है, फिर मैं उसमें तेल डाल देती है, वो एकदम फ्री हो जाते हैं। आवाज नहीं। थोड़ी देर में हम हवेली के अंदर देखते हैं, एक चील जो है वो उड़ के जा रही है। चील कहाँ मैं करती है? चील के मुंह में बकरी है ना, वो आवाज कर रही है। इतने में बकरी ऊपर से गिरती है जमीन के ऊपर। बकरी कब भौ भौ करती? मतलब बकरी कुत्ते पे गिरी है ना, तो कुत्ता तो चिल्लाएगा ना। इतने में पीछे से एक चूहा जा रहा रहता है। वो कुछ नहीं बोलता, वो साइलेंट है, उसने चील को देखा है। फिर थोड़ी देर में पर्दा खुलता है और एक चुड़ैल पायल पहन के वहां से पास में आती। क्या रहता है वो? लेकिन मसाज कहाँ हुई इसमें? कुत्ते की हुई ना। जो बकरी कुत्ते पे गिरती है उसका मसाज ही तो था। कैसे रे? खैर मेरे जाने का, मैं चलती है अभी। आपकी पिक्चर की हीरोइनी का क्या नाम है? भूमि पेडनेकर। हाँ, वो पिछली बार आए थे ना, तो उनका पेन रह गया था, तो मैं भूमि को पेन देकर आती हूँ। पेन देकर आई। ओके बाय। विकी भाई, जैसे इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं, हाँ जी, तो आपने सवाल नहीं पूछा कि यार बाकी को तो लेके जाके स्विट्जरलैंड वो सब रोमांस करवाते हो, मेरे को जूहू पे जहाज खड़ा करके भूतों से डरवा रहे हो। आपने कहा नहीं कि कुछ तो होना चाहिए धर्मा की तरफ से, वो धर्मा का जो ट्रेडमार्क है, एक आध हीरोइन कुछ रोमांस, ऐसे बोला नहीं आपने? नहीं, मैंने कहा, फिर उन्होंने इसका सारा जवाब मुझे तख्त में दे दिया। ये अब सब मुझे तख्त में करने को मिल रहा है कि अभी आप भूत में पहले खुद डर जाइए, फिर तख्त में औरंगजेब बन के लोगों को डराना। बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हम लोग ना दुबई गए, तो पहले होटल में जो ठहरे थे वो अच्छा था, दूसरे होटल में शिफ्ट हुआ ना, मेरे को बड़े डरावने सपने आए। हाँ, ऊपर से मैं किसे बोल रहा हूँ, मैं कह यार यहाँ पे वो मेरे को और डराई जाए, कहता सर कभी कभी होता है होटल बनते हैं ना। मेरे को और डराया उसने, जो वहाँ का लोकल आदमी था।
तो अभी आपको ऐसे सपने आते हैं डरावने वाले? नहीं, मुझे आते हैं. और मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि जहाँ हम जाएंगे, स्पेशली जब ट्रैवल कर रहे होते हैं शूट के लिए, हाँ, तो किस होटल में ठहर रहे हैं. तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ यार, किस होटल में ठहर रहे हैं बता दो, क्योंकि बाकी कोई होटल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस होटल में, वो नहीं होता कि पुराने किले महल को होटल बना दिया है, हाँ, उनसे बड़ा डर लगता है. क्योंकि मुझे वहाँ कदम रखते ऐसा लगता है कि कोई हिस्ट्री थी यहाँ पे. वो सजावटी तौर पे ना राजा महाराजों की तस्वीरें लगा देते हैं, आपके बिस्तर के ऊपर. वो आप ही को घूर रहे होते हैं, आप सो रहे हो, राजा आपको देख रहा है. तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ हुआ भी है. पटियाला में हम थे और राजी के वक्त हम ठहर रहे थे एक होटल में. वहाँ ऐसे ही कमरा था कि राजा महाराजों की तस्वीर थी, छत 25 फीट ऊपर था, लंबे डंडे से लटका हुआ पंखा था जो खचें 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 चल रहा है. और फिर जब बाथरूम में जाओ तो बाथरूम भी लंबा चौड़ा की, दरवाजा भी दूर है, वो कोजी सा बाथरूम नहीं है. नहीं. अब रात को, आधी रात को अब मैं बाथरूम गया हूँ, फोन बाहर है कमरे में, अब मैं बाथरूम गया हूँ, बाथरूम में भी तस्वीर लगाई है दो सामने. तो मैं खैर अब बाथरूम में बैठा हूँ. अब बाथरूम एक जगह है जहाँ आप जल्दबाजी नहीं करते हो कोई, है ना, वहां सब काम ग्रेविटी से होता है, प्रेशर से नहीं होता. तो अब वहां में रात को चली गई बत्ती. अच्छा, अब मैं बीच में फंसा हुआ हूँ और मैं भयंकर डर लग रहा है मुझे. क्योंकि अब जब लाइट जब जाती है तो पहले आप चेक करते हो कि यार सबकी गई है कि अपनी गई है. तो मेरा पहला थॉट ये चल रहा है कि नहीं, मेरे ही कमरे में कुछ गड़बड़ हुआ है. तो मैं तो कह रहा हूँ यार ये क्या हो गया, फोन भी बाहर है, टॉर्च नहीं है, क्या करूं, उठ के जा भी नहीं सकता. पर वो डर इतना लगा कि वो काम बहुत जल्दी हो गया. तो मैं क्या, जैसे तैसे मैं बाहर गया, चिटकनी खोल के बाहर गया. मैंने जगाया रिसेप्शनिस्ट को कि मैंने कहा यार ये लाइट चली गई, कहते और वो सो रहे थे, वो सबकी गई हुई है, इन्वर्टर ऑन करा देते हैं. फोन ऑन किया, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, आप जाइए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, लाइट ऑन हो गई जी, इन्वर्टर ऑन हो गया. मैं फिर चला गया बाथरूम में. अब मैं बाथरूम में चला गया, मैंने कहा चल अब तो आ गई बत्ती. अब मैं फिर बैठा, फिर लाइट चली गई. मैंने कहा अब तो पक्का मेरे ही कमरे का हुआ, अब तो इसने बदला निकाला है कि मैंने इसको उठा दिया था नींद में. अब फिर फोन बाहर रह गया है. मैंने कहा यार ये रात भर मैं यही करता हूँ. फिर मैंने कहा यार जिसको आना आ जाओ यार, यहाँ पे तो भूत भी नहीं चाहेगा कि यहाँ आके डिस्टर्ब करे. तो बड़ा डर जाता हूँ मैं होटल के कमरों से, बड़ा डरता हूँ. राजा चाहे अपनी रानी को फोटो में दिख, कह रहा हूँ हमारे सामने बड़े बड़े निकल जाती है. अच्छा, हॉरर फिल्म में देख के तो सबको डर लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी में ना कभी कभी ऐसा हुआ रहता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई है. हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, पर वैसे ही घबराता हूं मैं. तो आपका कोई किस्सा ऐसा हो तो आप शेयर कर सकते हैं. आपको कभी डरावनी घटना हुई हो आपके साथ, आपको डर लगा हो, आपको लगा हो कि मेरे सामने से कोई निकला है. जी भाई साहब. नमस्कार कपिल जी. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम. नमस्कार. हाय सर, कैसे हैं? सर मेरा एक छोटा सा किस्सा है, तकरीबन 10 साल पुराना. अच्छा. हमारे एक टीनेंट थे जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे. अच्छा. उनके 5 बच्चे थे, वो कुछ बिहार से थे. तो 2 साल वो रहे हमारे यहाँ. तो उनका 5वां बेटा. 5 बच्चे उधर ही हुए आपके ऊपर ही? नहीं, पहले बिहार से लेके आए थे वो. अच्छा. 4. अच्छा. 5वां वहाँ बिहार से लेके आए थे. तो आप अच्छे मालिक मकान होंगे ना, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते होंगे. जी जी जी. ना आपने डिस्टर्ब किया ना वो हुए. जी जी जी. आपने रोका नहीं उनको कि भाई साहब बच्चे दो ही अच्छे होते हैं? शर्मा जी किराया टाइम पे आना चाहिए, बच्चों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. वो आदमी ने भी लगता है दो ही काम किए, किराया दिया है और दूसरा अपना जो भी. तो उनका 13 साल का एक बेटा जब गांव से वापस आया तो उसके 1 हफ्ते बाद अचानक आवाज आई उसकी मम्मी की, भैया भैया भैया. तो मेरी वाइफ डर के ऊपर गई, उन्होंने देखा उनका बेटा कुछ अजीब से रिएक्ट कर रहा है, अजीब सी शक्लें बना रहा है और वो उसके अंदर जैसे कोई प्रवेश कर गया कुछ ऐसा. अच्छा. एटमॉस्फेयर उसका बना हुआ है. तो मेरी वाइफ दौड़ती हुई नीचे आई कि वो आपको बुला रही है, उसकी मम्मी आप ऊपर मत जाना, कुछ भयंकर है. अच्छा. तो मैंने कहा मुझे लगा कण कण में भगवान है तो शायद मुझ में भी है, देखते हैं भगवान भूत से लड़ेंगे. अरे वाह प्रभु, क्या बात है. तो मैंने भगवान का नाम लेकर ऊपर चला गया और वो देखा और मुझे देखकर अजीब सब घुर्राया कि मैं तुझे भी देख लूंगा, मैं सबको मार दूंगा. आपने किराया तो नहीं बढ़ाने के लिए बोला था? हो सकता है. हो सकता है. नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी. अच्छा. तो वो उस वक्त उसने मेरे को डराया, तो मैंने कहा आप 2 भाइयों को बोला इसके पैर पकड़ो और एक मम्मी को और उसकी को और उसके भाई को बोला इसके हाथ पकड़ो. अच्छा. चिमटा और गैस पास में ही थी, मैंने गैस पे चिमटा गर्म किया बहुत जोर से. मैंने कहा लाल होने दे, तेरे सारे भूत निकालता हूँ मैं. वो घुर्राता रहा मुझे देख के ऐसे, आई डोंट केयर. चिंटा जब लाल हो गया ना, मैंने इसकी जरा ट्राउजर नीचे करो, मैं इसके
मैं इसकी डिक्की पे ये चिमटा लगाता हूँ गरम गरम, सारे दूध भाग जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने उसकी पैंट पुल की और मैं चिमटा पास लेकर गया तो मेरे को बोलता है, भैया वो गया वो गया वो गया वो गया। मैंने कहा लगाने तो दे, अभी तो और निकलेंगे अंदर से। तो वो क्यों कर रहा था ऐसे? मैं बताता हूँ वो लॉजिक। मैंने उसको 3-4 दिन बाद बोला, मैंने कहा चिमटा तो बेटा तेरे अभी भी लगेगा, तो ठीक हो गया है। हाँ। तो बोला भैया आप किसी को बताना मत, ये लोग ना मेरा स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, मुझे पढ़ना नहीं। ओह माय गॉड। पर ऐसे होता है बहुत बार। अब ये तो आपने पकड़ लिया, अच्छी बात है। पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको पता नहीं हो जाता, लगता है कि ऐसे कुछ आया है, पर मैं विश्वास नहीं करता इन बातों पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया। गाड़ी की डिक्की खोलूंगा ना, मेरे को इनकी कहानी पर मैंने सुना डिक्की। सर आपने इतना सोना पहना हुआ है क्या? नमस्ते, कहाँ से हैं सर आप? जी मैं यूके से आया हूँ। यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड? नहीं, कहाँ से? लंदन से। अच्छा लंदन से। ओ वाओ, तो इतना सोना पहना, रोका नहीं आपको कस्टम वालों ने? नहीं कभी नहीं रोका। कितना टोटल पहना हुआ है आपने? तकरीबन यूके के हिसाब से 35,000 पाउंड। 35,000 पाउंड, चलता फिरता छोटा कोऑपरेटिव बैंक है ये। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। हम भी आ रहे हैं लंदन बहुत जल्दी शो करने। आ जाओ कभी भी आ जाओ। अभी एडवांस नहीं आया उनका ना? ओ एडवांस नहीं आया। हाँ चलो, आप अगर एक रेस्टेड दे दो तो हम एडवांस समझ लेंगे। नंबर दे देना, बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी हेलो कपिल सर, नमस्ते जी, कैसे आप? कमाल की टी-शर्ट है। मेरा नाम कमलेश। ओ वाह, मेरी फोटो लगाई है। वाह, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? कमलेश, मेरा नाम कमलेश। कमलेश, अरे संजू मेरा नाम कमलेश ही था। हाँ कमलेश, गुजरात से कमलेश। हाँ हाँ, और गपा गप जी कमलेश। हाँ जी, 5 साल पहले मैं गांव में नवरात्रि में जरा बाजू वाले गांव में गया था। अपने गांव में क्यों नहीं किया? 9 बजे बंद हो जाती है नवरात्रि, वहाँ 12 बजे तक चलती है। वो गोवा में पड़ता है? दूर है। अच्छा अच्छा। तो मैं रिटर्न आ रहा था तो बीच में मेरे गांव से आधे किलोमीटर पहले शमशान है, वहाँ पे बाइक मेरी वहाँ पहुँचते ही रुक गई। अच्छा। तो अचानक से मेरे को लगा कोई आजू बाजू में है मेरे, तो मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ वो नहीं रही है, तो मैं भाग के गाँव में गया और पहला दूसरा ही घर मेरे दोस्त का है, उसको बोला चल मेरे साथ, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, तो मेरे साथ चला। तो वहाँ जाके मैं बोला भाई मेरे को अजीब से लग रहा है, तो बोलता है ठीक है, वो गाड़ी में मैं किक मार रहा हूँ चालू नहीं हो रही है। मैं बोला तेरी गाड़ी चालू करके देख, उसकी हो रही है चालू। फिर वो मेरी गाड़ी नीचे देखा, बोलता है तेरा पेट्रोल का प्लग बंद पड़ा हुआ है। अच्छा। तो थोड़ा गाड़ी आगे चला और बंद हो गई गाड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भूत होते हैं, इसका मतलब ये है कि बेवकूफ होते हैं। पर नहीं, आपकी बात भी सही है, अगर ऐसे सुनसान जगह पे कुछ हो जाए तो आदमी का ध्यान नहीं, दिमाग काम नहीं करता ही नहीं है तभी कुछ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। क्या करते हैं आप कमलेश जी वैसे? मेरा गारमेंट का है। गारमेंट है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, अंडरवियर वगैरह बनाते हैं? नहीं नहीं, हाँ शर्ट टी शर्ट टी शर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये आपने खुद बनाई है? यस। अरे यार थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। एक्चुअली मैं दुबई से आई हूँ आपका शो देखने के लिए स्पेशली। अच्छा, और हम आए थे दुबई, उधर देख लेते। उधर आपकी टिकट मिली नहीं थी, हमने ट्राई करा था, आपकी शो हाउसफुल था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो मेरा जो किस्सा है वो दिल्ली का है। ठंड का मौसम था, हम एक शादी से वापस आ रहे थे, मैं और मेरा हस्बैंड। अच्छा जी। तो वहाँ पे ना एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी, एक सुनसान रास्ता था, तो हमें थोड़ा वियर्ड लगा कि आधी रात को लड़की लिफ्ट मांग रही है। लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो उसने नॉक करा ऐसे दरवाज़ा, तो मेरे हस्बैंड ने डोर नीचे करा, तो वो अभी बात कर ही रही थी लिफ्ट के लिए, उतनी देर में हमारे फ्रेंड्स दो पीछे बैठे थे, उनको लगा सुंदर लड़की है, हम भी बात करने की कोशिश करें। तो उसके बाद उन्होंने जैसे ही शीशा नीचे करा, तो उन्होंने नीचे ऐसे देखा, उस लड़की के पैर ही नहीं है, उनको दिख ही नहीं रहे, मे बी ड्यू टू बात कर रहे हो फॉग की वजह से या कैसे। तो उन्होंने ना वो इतना घबरा गए इमीडिएट, तो उन्होंने ये बोला कि निकल लो फटाफट। हाँ। तो जैसे उन्होंने हमें बोला तो हमने गाड़ी भगाई, वैसे भी सुनसान रास्ता था, तो लेकिन जैसे गाड़ी भगाई, लेकिन वो ऐसे लग रहा था वो लड़की सेम स्पीड से साथ में भाग रही है। ओ तेरी। तो ये एक भूतिया किस्सा था। तो काफी देर तक ये चलता रहा, मतलब वो साथ साथ
चलते रहे, लेकिन हाँ जो पीछे फ्रेंड्स थे जिन्होंने देखा उनको फीवर भी रहा उसके बाद काफी दिन, डर के मारे। क्या बोलते हो, सच्ची में हुआ होगा ऐसा? आपको वहम लगा होगा एक्चुअली ऐसे? नहीं, मेरे हस्बैंड है, वो भी साथ में ही थे। आप मानते हैं भाई साहब इस बात को, होते हैं भूत? जब से एपिसोड हुआ है हमारे तो बिल्कुल मानते हैं। मेरे को तो एक हफ्ते तक फीवर आ रहा था उस टाइम। शादी से आप नॉर्मल आ रहे थे, पीवी के आ रहे थे? हाँ नहीं, अच्छा सवाल है। नहीं हाँ, हो सकता है सर। लंदन में होते हैं भूत? में आपसे माइक देना भाई साहब को। नहीं मैंने कभी नहीं देखा है। तो आपके बाल किसने नोचे? अंग्रेज भूत तो बहुत सुंदर होंगे ना, तू जा वहां पर देख इसके अंग्रेज भूतनी को। मैं जाऊंगा लंदन ना सुनसान रास्तों पे, इंग्लिश भूतनी चिमड़वानी मेरे को। चलिए धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका किस्सा शेयर करने के लिए। और कोई हमारे दोस्त है जिनका कोई ऐसा किस्सा है तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो हेलो, मेरा नाम निशा है। हेलो निशा, हम लंदन से ही आए हैं। ओ वाओ, क्या इंटरनेशनल ऑडियंस है यार हमारी। वाओ, वेलकम निशा। थैंक यू। आपने जब उस अंकल को पूछा था कि ओ आपको अंकल कह रही, आपने जब उनको पूछा था कि लंदन में भूत होते हैं, होते हैं, मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है। Really? सच्ची? हाँ, वो हमारा पब है, वो हॉन्टेड है। आते हैं लोग उधर डांस वांस करने? डांस करने नहीं आते, डराने हाँ। आते हैं। अच्छा, तो एक दफा हम लोग पब बंद करके घर को चले गए, दूसरे दिन सुबह मैंने और मेरे डैड ने पब खोला तो वो चिमनी अपने आप ही ऑन हो गई थी। एंड जब भी हमने कैमरे में फोटो लिया वो चिमनी का, तो दो फेस आप देख सकते हैं। आप अपने पब का एड्रेस देके जाना ना, हम आएंगे उधर। जरूर आना, अर्चना जी को लेके आता हूँ, देखता हूँ किसकी मजाल है भूत किया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाजी, क्योंकि जो भूत फिल्म है द हॉन्टेड शिप, ये भूतों के ऊपर है, तो हम हमारे कुछ बच्चों के सवाल हैं। अच्छा जी। तो वो कह रहे थे विक्की भैया जब आएंगे तो उनसे पूछने हैं, भूतों से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। ये जो भूत होते हैं ये रात के 12 बजे के बाद ही क्यों निकलते हैं? 12 बजे के बाद पता नहीं, उनकी उनकी रोमिंग फ्री होगी। हाँ ये भी हो सकता है, 12 बजे के बाद रोम कर सकते हैं फ्रीली। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी सही? हाँ यार, ऐसा क्यों बोलते लंगोटी? हाँ मतलब गमछा और शर्ट भी तो ले सकते हैं भूत, ये लंगोटी क्यों बोलते हैं भूत के बारे में? मेरे ख्याल से लंगोटी तो जरूरी है, भूत को भी तो इज्जत की पड़ी होगी अपनी। उनके उनका भी कहीं डिक्की ना। ओके, भूतों के पैर उल्टे क्यों होते हैं? भूतों के पैर उल्टे इसलिए होते हैं क्योंकि भूतों को भूतकाल में जल्दी जाना होता है, तो पीछे जल्दी जा सकते हैं। उल्टा जाना होता है। उल्टा जाना होता है। वेरी नाइस, इंजीनियर निकल गया अंदर से मेरा। अच्छा, जब भी किसी हॉन्टेड हवेली का दरवाजा खोलो तो हमेशा ये आवाज क्यों निकलती है? ये दरवाजे की आवाज ऐसी क्यों निकलती है? सर ये मैं खुद को बहुत ये सवाल पूछा करता था कि ये क्यों आवाज निकलती है, हर दरवाजे की सेम क्यों होती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये शायद दरवाजे की आवाज नहीं होती, ये इंसान के ये इंसान के पैंट फटने की आवाज भी हो सकती है। अच्छा, बोलते जब भी भूतनी का जिक्र होता है कभी भी हमारी स्पेशली बॉलीवुड में, तो भूतनी के आने पहले घुंघरों की आवाज क्यों सुनाई देती है? क्योंकि भूत भी कहते हैं हमें भी आइटम नंबर चाहिए। हम क्यों सीरियसली करें? बिल्कुल, आपके जवाब जो हैं वो हमारी ऑडियंस जो है उससे मुतासिर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अफवाहें आपको पता है सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती रहती है। हाँ जी। तो आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। एक अफवाह ये है कि भूत की शूटिंग के दौरान आपको जब भी डर लगता था तो डायरेक्टर जोश भरने के लिए आपको बोलता था हाउ इज द जोश, और आप कहते थे हवा टाइट सर। ये बात सही है कि गलत है? ये नहीं, ये इतनी सही बात नहीं है क्योंकि इसकी शूटिंग हमने एक्चुअली उरी के रिलीज होने से पहले शुरू कर दी थी। ओके तो तब तक हाउस द जोश ज्यादा लोगों को पता नहीं था। ओके ओके। अच्छा, एक अफवाह ये है कि फिल्म की शूट पे करण जौहर भी इतने डर जाते थे
कि डर के मारे हीरोइन भूमि पेड़ने से ज्यादा वो आपसे चिपक जाते थे। इसका आधा हिस्सा सही है, आधा हिस्सा गलत है। हाँ, इस फिल्म के शूट के दौरान वो बहुत डर जाते थे, पर वो इतने डर जाते थे कि सेट पे ही नहीं आते थे। अच्छा। एक अफवाह ये है कि उरी के बाद आप सुबह वॉक पे नहीं, परेड पे जाते हो। क्योंकि आप इतना करेक्टर में घुस गए, ये बात सही है कि नहीं? नहीं, मैं इनफैक्ट उरी के बाद ये एक हुआ है कि वो हाउस द जोश हाय सर, वो इतना बोलने की आदत हो गई थी कि मैं नींद में भी कहीं भी बोल सकता था कि हाउस द जोश हाय सर, तो ये होता था। ओके, तो एक लास्ट अफवाह है, ये है कि आजकल बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप माइंड नहीं करते क्योंकि अब आपको कैट पसंद है। ये अफवाहें हैं। ये काफी हॉरर सवाल था। रियल हॉरर। अब पता नहीं कहां कहां से अफवाहें आती हैं। खबरदार ऐसी अफवाहें हमें दी तो शुक्रिया। अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई किसी के साथ प्रैंक करता है, अगर आपको लगता है कि कोई हमको डरा सकता है तो मंच पे आ सकते हैं। प्रॉप्स लेके आइए, जो आपका मन करता है लगा लो। नाम क्या आपका? राजेश जैन। आप? हाय, मैं मनीष हूँ, कानपुर से बिलोंग करता हूँ, बट लास्ट 4 ईयर से मुंबई में हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आप? हेलो सर, मैं रितु गुप्ता, मुंबई मलाड से। अच्छा जी, और आप भाई साहब? सर, मेरा नाम अशोक कुमार है। अच्छा जी, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम चिरवेश जैन है, मैं राजस्थान से हूँ। चिरवेश जैन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो प्रॉप्स आपके पास है, जो आपका मन करता है भूत बन जाओ, हम इधर मुंह कर लेते, ठीक है? तुम्हारा कलेजा निकाल के खून पी जाऊंगा। मैं तुम्हारा टी शर्ट निकाल के जुलूस निकाल दूंगा। जैन साहब, बस हो गया, इतना ही था। विकी बाबू, कैसे हो ठाकुर? बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, आज तुमको मेरी याद आई गई। क्या बात है यार, आप भूत थे पहले? हाँ, भूतों का हैप्पी बर्थडे। दूसरों का खून पीते, मेरा खून पियो। ये क्या आइडिया था झाड़ू लेके? हाँ जी, अशोक कुमार जी। विक्की, तू वैसे ही डरने वाला, कहाँ फंस गया आज? आज मैं तुमसे पहले ही बेचारा लग रहा है भूत दुकान छोड़ के आए रहे। बहुत ही क्यूट थे यार, बहुत ही क्यूट थे। ये भूतों के कैस्पर थे एकदम। राजस्थानी कैस्पर। इन्होंने वो भी नहीं किया, नहीं मैं खून भी नहीं लगाऊंगा। कुछ नहीं सीधा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अशोक कुमार जी, बहुत सही था आपका। थैंक यू।
सच्ची डरावनी लग रही है। तू मेरे पीछे पड़ा। सच सच बताना विकी, डर गए थे ना? मैं डर गया था। डर गए थे ना? सच्ची डर गया था। पहली बार डरे वो, हर बार तेरा मुंह देख के डरते हैं। और ये कौन सा चार योगा वाले लड़का लड़की ले आए, वो ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बहुत डर गया था, बहुत कैरेक्टर में आई थी। कप्पू, तुम भी डर गए थे ना थोड़ा सा? सच सच बताओ। जितनी चीखें तूने मारी है ना, इतनी तो जब अर्चना हंसी बंद करती ना, वो वैसे ही निकल जाती है। और आज मेकअप क्यों नहीं किया तुमने? एक्सक्यूज मी। ये मेरा हॉरर लुक है। हॉरर नेचुरल लुक है ये तेरा। देख लो पाजी, शाम को ऐसी दिख रही है, सोचो सुबह सुबह सो के उठती होगी कैसी दिखती होगी। बहुत क्यूट लगती हूँ जब मैं सो के उठती हूँ। मैं इतनी क्यूट लगती हूँ कि लोग ना प्यार से गुड़िया गुड़िया कहते, इतनी क्यूट लगती हूँ। आप अभी भी क्यूट लग रहे हो। कितनी क्यूट भूत बनी हूँ मैं। पूरा पूरा बता, कौन सी गुड़िया कहते हैं? ये पापी गुड़िया कहते हैं इसको। आप इसको ना ऐसे ऐसे बिस्कुट दिखाओ ना, और ऐसे घुमाओ, अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेती है। विकी, वैसे आपकी देखिए हॉरर फिल्म आ रही है। हाँ जी। मेरा एक हॉरर प्ले आ रहा है, तो हम दोनों मिलकर ना साथ में सब लोगों की ना चीखें निकालेंगे। चलो। कोई प्ले प्ले नहीं करती, इनका गिरोह है। रात को ये लोग हाईवे पे खड़े होते हैं, ट्रक वालों को लूटते हैं ये लोग। एक सेकेंड, लूटने के लिए भूरी को भूत बनने की कोई जरूरत नहीं है। भूरी की अदाओं पे बड़े बड़े ऐसे ही लूट जाते। अदाएं देख लो, ये रेल की पटरी क्यों बनाई तूने मुंह पे? हर एपिसोड में ये बात बोलती है, मेरी अदाओं पे लुट जाते हैं। बाहर निकलती चमगादड़ जो उल्टे लटके होते हैं, वो सीधे खड़े हो जाते, कहते हैंड्स अप, हमने कुछ नहीं किया। इसको देख के तेरे को तो वो डर जाते। तब वो कोई एक बता दो जिसको मैंने आज से कभी भी डराया हो। एक सोनी साहब को। दो मिनट से ज्यादा रुकती है ना, सोनी साहब खुद अपना चैनल चेंज कर देते, कहते नहीं सब टीवी लगा लो, ये नहीं देखी जाती हमसे। नहीं नहीं, ये सब ना अफवाहें हैं मेरे बारे में विकी, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा, तुझे लगता है तेरे बारे में अफवाहें भी उड़ती हैं? जी हाँ, अफवाहें उड़ती है। वो क्या है ना, मैं एक्चुअली आपके अंदर का डर निकालने आई हूँ। ओके। आपके अंदर का डर, साथ साथ वॉलेट, आपका बेल्ट, पर्स, सब निकालेगी ये। मैं भूत की बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा पहले कभी किसी भूत के साथ पाला नहीं पड़ा है? इसका पड़ता रहता ना। भूत आया इसके घर, उल्टे पांव, इसको देख के सीधे पांव भागा वो। अरे वो भूत एक्चुअली ना मेरे दादाजी को देख के भाग गया। मेरे दादाजी ना एक्चुअली भूतों को अपने वश में कर लेते। इसके दादाजी करते थे भूतों को वश। एक बार भूतों ने इसके दादा को वश में कर लिया। कुछ भी बोल रहे हो तुम, मेरे दादाजी पता कितने पहुंचे हुए थे, एक बॉटल के अंदर वो जिन को कैद कर लेते थे। जिन नहीं, विस्की रम वोदका, सब मिलावटी शराब का धंधा था उनका। ये बचपन में बियर की बोतलें खोलती रही है, तभी ऐसा मुंह हुआ। अभी भी आप ऐसा करोगे ना, इसके मुंह से जाग निकलने लगती। इसलिए दूसरा मुंह बनाया मैंने। बस विकी देखिए, आपकी भूत वाली फिल्म आ रही है, तो ऑब्वियसली आपको डर तो लगता होगा, है ना जी? तो मेरे पास एक आइडिया है, आप ना रात को चौराहे पे जाके पूरी और आलू की सब्जी रख देना। हाँ। पूरी और आलू की सब्जी रख के बस रख दो, भाग जाना। सीधा बोलना। अच्छा। तेरा दिल कर रहा है खाने को, ये आईडिया दे रही है। हो गई तेरी फिल्म की बात है, चलो। अरे फिल्म तो बहाना है, मुझे तो विकी को शादी के लिए मनाना है। विकी आइए बैठिए प्लीज। वो क्या है ना, देखिए मैंने जब आपको मसाज में देखा ना, मैं तब ही समझ गई थी कि आप के जोश बहुत हाई है। अच्छा। हाँ, शाम को 6 बजे के बाद मिलना, ये भी हाई रहती है। वैसे मैंने पंडित जी को ना हमारी कुंडलियां दिखा दी है, और 36 के 36 गुण मिलते हैं। उसमें से 18 बेच के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा।
अर्चना मैम, हाँ। वो कुछ लोगों की कुंडलियों में नहीं केतु दोष होता है, हाँ। मेरी कुंडली में कप्पू दोष है। अब ऐसा लगता है कि मुझे एक नई कुंडली बनवानी पड़ेगी। कुंडली नहीं, तू मुंह नया बनवा। देखो बहुत आजकल ना गीली मिट्टी लेके आते हैं घर पे ही, आपके मुंह डाल के ना, हाँ। उतने एरिया में कुछ अच्छी चीज बना के दे देंगे तेरे को, अगर तेरे को चाहिए तो। कप्पू तुम्हें सच में मुझ में कोई टैलेंट नजर नहीं आता। टैलेंट तो बहुत है, मिनट की सुई ना ये सेकंड में चुरा लेती है। एक घड़ी की सुई कौन चुराता है? तेरे दादा ने चुराई नहीं थी घंटा घर में? इसके दादा ने ना वो घंटे वाली सुई चुरा ली, उनको इतना गुस्सा आया ना, उनका दादा भी उसी क्लॉक में लटका हुआ है। 8 बजे के बाद जो 9 बजते हैं वो 9 इसका दादा ऐसे करके खड़ा हुआ है। ये आदमी ना हमारी बात कभी बनने नहीं देगा, नहीं। तो मैं ना आपसे एक्चुअली बाहर मिलूंगी एकदम सच धज के प्रॉपर। बाहर ये हम ही इसको अंदर ले आते हैं, उसको और कोई नहीं लेके आता इसको। चलो विकी, एक भूत से दूसरे भूत को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। एक बार जोरदार तालियां विकी पाजी के लिए हो जाए। Love you, Paji. Thank you so much for coming. Thank All you. The best, Paji. We are so proud of you. Thank you, Paji. Thank you. और so आप much. सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबाकाया, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।